निस्वार्थ प्रेम की मूर्ति और देवी लक्ष्मी के अवतार राधा रानी का जन्मोत्सव लेंधरा के राधा माधव मंदिर में मनाया गया। देवी लक्ष्मी विष्णु के साथ हर युग में किसी न किसी रूप में साथ रहती है। राधा ने त्रेता युग में पतिव्रता नारी के रूप में, सीता द्वापर युग में प्रेमिका स्वरूप राधा रानी में अवतरित हुई। श्री कृष्ण का जन्म धरती पर कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन और राधा का जन्म शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन हुआ। राधा का नाम कृष्ण के नाम से पहले लगाकर नाम जपने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। राधा माधव मंदिर का इतिहास बहुत अलौकिक है, जहां 35 वर्षों से श्री कृष्ण राधा के नाम अखंड दीप जलता रहता है और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद का नाम जाप हमेशा कीर्तन के रूप में किया जाता है। 108 मृदंगों का पूजा अर्चना के बाद भजन कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण की जाती है, जहां हजारों का जन सैलाब इस मुहूर्त का गवाह बनता है। इस मंदिर परिसर में दिन दुखी आकर भजन कीर्तन करके अपने मन को शांत करते हैं। यहाँ राम जानकी जगन्नाथ हनुमान और शिव मंदिर पर भक्त आकर दर्शन करते हैं। राधा अष्टमी जन्मोत्सव में सांसद राधेश्याम राठिया, सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े, वरिष्ठ भाजपा नेता जगन्नाथ पाणिग्राही, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण मालाकार सहित जनप्रतिनिधि और प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर श्री कृष्ण के दर्शन किए। जन्मोत्सव राधा रानी के जन्मोत्सव कार्यक्रम ऐतिहासिक लेंधरा ग्राम में, जैसे कि हर साल तथा इस साल बहुत अच्छा यहाँ राधा रानी के जन्मोत्सव मना रहे हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को और हमारे सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ राधा रानी का जन्म मनाने आते हैं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। हमारे साथ आए सभी जनप्रतिनिधि का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज बड़े सौभाग्य के दिन है हमारे भारत वर्ष के लिए, हम राधा माधव जी की माँ राधा जी की आज जन्मोत्सव मनाते हैं और पूरे इस उत्सव में इस क्षेत्र के वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, भारतवासियों को शुभकामना देता हूँ। आज हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए इससे बड़ा पवित्र दिन नहीं हो सकता। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र दिन है और यहाँ लेंधरा ग्राम पंचायत यहाँ के जो हमारे समिति हैं, ट्रस्ट हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने इस क्षेत्र में माँ राधा माता की इस पवित्र जन्मभूमि स्थल बना करके इस मंदिर में क्षेत्रवासियों को एक सुर में जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारी हिंदू संस्कृति को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके में सभी ट्रस्टवासी के हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सदस्य हैं और इस समिति में जो भी जुड़े हैं उन सबको मैं बहुत देखिए सालों साल से यहाँ पे जो समिति के द्वारा किया जा रहा पूजा पाठ है और बहुत ही शानदार है। और हमारे समधि जी हैं, मैं मनोज अग्रवाल हूँ, हमारे समधि जी हैं सुनीलेंद्रा जी, जिनका ये जन्म स्थल है और ये शुरू से इनका जुड़ाव रहा हुआ है, हर बार पूजा में आने का प्रयास करते हैं। आज भी आप लोगों के साथ में, जो लाखों लोगों के साथ में हम लोग ये पूजा कर पा रहे हैं, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और इतना शानदार पूजा मेरे ख्याल से इस आस पास अंचल में नहीं होता होगा, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। पूरी समिति को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और साधुवाद देते हैं कि इतना बढ़िया पूजा कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को भंडारा में भोजन प्रसाद करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शानदार है और काबिले तारीफ है और हमारी हमेशा केला से आए हैं। मैं विश्वंदु परिषद प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड ब्रह्मकेला अध्यक्ष हूँ और यहाँ पिछले कई वर्षों से लगातार अखंड दीप जल रहा है और अखंड कीर्तन होता है। ब्रह्मकेला से सुवर्ण कुमार भोई की रिपोर्ट।